सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम राजू कुमार है और मैं 100 क्लासेस फॉर इंग्लिश से हूं और अभी आप लोगों के बीच में भर में चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है कि ये भर्व जो होता है, ये भर्व क्या होता है। पहले जानेंगे कि भर्व का जो हिंदी होता है वो क्या होता है। भर्व का हिंदी क्या होता है? क्रिया, है ना। भर्व का हिंदी क्या होता है? क्रिया। अब क्रिया का मतलब उन्हें समझ जाए जो क्रिया खाते हैं, ठीक है ना। वो क्रिया दूसरा हो गया, ये यहाँ पे जो क्रिया है ये दूसरा क्रिया है, ठीक है ना। चलो तो कहता है क्या, पहला हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या कि व्हाट इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब यानी कि वर्ब क्या है। व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, ठीक है ना। तो जवाब देंगे क्या, देखिए कहता है क्या कि अ वर्ब इज अ वर्ड, ये वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स, विच डिनोट्स एन एक्शन पोजिशन रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। तो जवाब हो जाएगा क्या कि ये वर्ब इज अ वर्ड, ये वर्ब इज अ वर्ड, ये वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है, एक शब्द है विच डिनोट्स, विच डिनोट्स। तो डिनोट्स का मतलब होता है सूचित करना, डिनोट्स का मतलब होता है सूचित करना, और विच का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो या जिससे। कहता है वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स, ये वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स, एक वर्ब जो सूचित करता है। क्या सूचित करता है, सूचित करता है एन एक्शन, एन एक्शन। तो एक्शन का मतलब होता है काम, एक्शन मतलब क्या होता है काम। दूसरा है पोजीशन, तो पोजीशन का हिंदी क्या होता है, अधिकार, है ना। पोजीशन का हिंदी होता है अधिकार। नेक्स्ट है रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, कहता है संबंध। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि एक ऐसा वाक्य जो कथन दे जिसमें होने का बोध हो, जिसमें होने का बोध हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है। तो जवाब दिया क्या, ये वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब क्या होता है, एक शब्द होता है विच डिनोट्स, विच डिनोट्स जो सूचित करता है। क्या सूचित करता है, काम अधिकार संबंध या होने का जो भाव व्यक्त करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। यानी कि वर्ब एक शब्द होता है जो काम अधिकार संबंध या होने का बोध कराता है, ठीक है। चलिए जैसे कि आप एग्जांपल में हो जाएगा आपका क्या, जैसे क्या कि राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट यानी कि राम क्रिकेट खेलता है। तो राम क्रिकेट खेलता है तो राम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है ना। तो खेलना क्या हो गया, एक काम हो गया, और जो काम को दिखाता है वो क्या हो जाएगा आपको, वर्ब हो जाएगा, है ना। काम को दिखाता है क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ अगला हो जाएगा क्या कि सीता हैज अ कार, सीता हैज अ कार, सीता के पास कार है। तो सीता के पास कार है मतलब क्या है, सीता के पास कार है इसका मतलब है क्या, सीता का कार पर क्या है, अधिकार है, और साथ में क्या है, संबंध भी है। क्यों, क्योंकि जैसे कि आप सीता के पास कार है और वो जो कार है वो कहीं पे जाएगा, किसी को ठोकर मार देगा या ठोकर खा जाएगा, है ना। तो किसको खोजा जाएगा, सीता खोजा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कार है, सीता का कार है, तो सीता के नाम से ही वो कार है। तो कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो उसी को खोजा जाएगा। कहता सीता है कार, सीता के पास कार है, तो सीता के पास कार है, सीता के कार पर अधिकार भी है और साथ में संबंध भी है, है ना रहा है। और साथ में क्या कहते हैं, कहते हैं संबंध दिखाने का भी काम कर रहा था। यहाँ पे हैज क्या हो जाएगा आपको, भर हो जाएगा। आज कहता है क्या, मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, मोहन गरीब है। तो मोहन गरीब से मतलब क्या हुआ, मोहन गरीब होना, मोहन गरीब होना,
यानी कि यह एक स्टेटमेंट है कि मोहन गरीब है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे होने का बोध कर रहा है, कौन इज, इज क्या हो जाएगा आपको, इज आपको हो जाएगा भर। तो यहाँ पे आपको है क्या उस तरीके की वर्ड इज भर, भर क्या है जवाब दिए क्या, ये भर इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन पोजीशन रिलेशन सेट ऑफ बी। भर एक शब्द होता है जो काम काम अधिकार संबंध और होने का बोध कराता है। तो यहाँ पर काम को बोध कराया है, यहाँ पर संबंध और अधिकार का बोध कराया है, और यहाँ पर होने का बोध कराया है। चलिए तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं इसके प्रकार के बारे में, यानी ऐसे कई प्रकार होते हैं उन्हें हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो है अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्या, देखिए कहता है क्या कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब आर देयर, है ना, कहता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब आर देयर। तो कहता है काइंड्स ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब के प्रकार, कैसे का प्रकार होता है या भेद होता है, ठीक है ना, वर्ब के प्रकार, और हाउ मेनी मतलब होता है कितने, तो देखा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब आर देयर, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब आपका हो जाएगा क्या कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसे पहला हो जाएगा आपका मेन वर्ब, है ना, तो हिंदी में बोलते हैं प्रधान क्रिया, है ना, या बोलते हैं मुख्य क्रिया भी बोलते हैं, प्रधान क्रिया भी बोलते हैं और मुख्य क्रिया भी बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका सहायक क्रिया, है ना। और ये जो क्या कहते हैं, जो जैसे मेन वर्ब हो गया या हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसका कई सारा नाम है, जैसे कि मेन वर्ब का नाम है प्रेशर वर्ब हो गया, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इसका भी कहते हैं अलग नाम होता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और इस मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट्स है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए तो हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर लिए हैं, अब इसके बाद जो है जैसे कि मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम अगले दिन बात करेंगे। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है और इसे कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या सब होते हैं, तो सब हम अगले दिन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।